हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। और जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंग्लिश और मैथ की विशेष क्लासें जो चलती हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का, जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश पेपर है, उसका सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था अभी 31st को जो पेपर कंप्लीट हुआ है, तो कुछ विद्यार्थियों ने बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछा है कि इसका सॉल्यूशन ज़रूर दें हमें। तो आज हम इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो देंगे। और इस सॉल्यूशन से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही सॉल्यूशन करें अपना जो पेपर है वो अपने पास रखें, और उसके साथ साथ अपने अपने आप का जो मूल्यांकन है वो करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का जो चेक करने का जो पैटर्न होगा वो अपने हिसाब से होगा। हो सकता है आपके 2 या 3 मार्क्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि इसका सॉल्यूशन देना, कि इनके आंसर्स क्या क्या है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो हमारा सेक्शन था वो सेक्शन ए था, और ये हमने पेपर सॉल्यूशन के बारे में करने से पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने जो इसी चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया था, और उसी के हिसाब से पूरा पैटर्न सेम उसी पैटर्न में हमारा पेपर आया है। तो पहला जो सेक्शन हमारा ए सेक्शन है, जिसमें जो पैसेज दिया गया था और लिखा था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, इसमें एक पैसेज दिया गया था और उस पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना था और उसके बाद उनके क्वेश्चंस करने थे। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज आप लोगों के पास है इसीलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार था। तो ये जो हमारा पहला जो पैसेज था, ये चाणक्य का जो है, चाणक्य ने अपने साम्राज्य के बारे में जो एक डिटेल्ड जो लेसन था उसके बारे में है, और अनसीन पैसेज के अंदर था, और जिसके अंदर किस बताया गया कि किस प्रकार चाणक्य अपने जो किंगडम था उसकी रक्षा करता था, और उसका किंगडम का जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार थी। चलो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच एम्पायर इज मैंशनड इन द पैसेज, बहुत स्पष्ट लिख रखा है मौर्य एम्पायर। तो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, और उसका हमारा उत्तर हो गया मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर ये हमारा पहला आंसर है, वो होगा कि विच एम्पायर इज मेंशन इन द पैसेज, इस पैसेज में किस एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है, किस साम्राज्य के बारे में बताया। तो इसका उत्तर है मौर्य एम्पायर। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट बाई चाणक्य विद द पब्लिक, यानी चाणक्य के द्वारा पब्लिक के साथ कितने घंटे बिताए जाते थे, कितने घंटे खर्च करता था। तो इसका आंसर है, हमें स्पष्ट लाइन दे रखी है इसके अंदर कि आई स्पेंड 12 आवर्स विद द पब्लिक। तो इसका आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन था इसमें भी, और इसका उत्तर था 12, इसका आंसर हो गया 12। और इसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन था, जो पहले क्वेश्चन का ही, उसमें दिया था द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, कि चाणक्य की ड्यूटी थी, यहां पे देखो लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है और लुक आफ्टर करता है देखभाल करना, तो द ड्यूटी ऑफ चाणक्य, चाणक्य का कर्तव्य था इज टू लुक आफ्टर, देखभाल करना द रोबर द पीपल द एम्पायर या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा द पीपल एंड द एम्पायर, यानी बोथ एंड, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन होगा हमारा, बोथ बी एंड सी, यानी पीपल की रक्षा करना भी उसका काम था और इसके साथ साथ एम्पायर की, मतलब पूरे साम्राज्य की, पूरे उस राज्य की रक्षा करना या लुक आफ्टर करना उसका कर्तव्य था। तो बोथ बी एंड सी होगा इसके आंसर, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस लाइन में कि आई वॉन्ट नो डी शुड बी एन हैप्पी इन माई मौर्य एम्पायर। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको लिखने थे क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इसमें था कि हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, कि गांव के लोगों को किसने लूटा था, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। तो इसका उत्तर होगा रोबर्स। जो फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन में जो ए है उसका आंसर है रोबर्स,
लुटेरों ने। और फोर्थ के अंदर ही हमारा बी क्वेश्चन है, और बी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय द चाणक्य, कि चाणक्य के द्वारा किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है इस पैसेज के अंदर। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवर पीपल शुड बी डिसिप्लिन एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, यानी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। तो लिखना था यहाँ पे द चाणक्य विच फ्रीडम किस क्या हो जाएगा, कंप्लीट है ना, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, यानी विचारों की अभिव्यक्ति की और जो पूजा की जो स्वतंत्रता है वो थी। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस पैसेज का कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, कि इस रिक्त स्थान के अंदर आप उचित शब्द भरिए। लिखा है चाणक्य वॉज वरीड एट द एज द विलेजर्स वर इन ट्रबल और फ्रीडम, यहाँ पर उत्तर था हमारा, आंसर था ट्रबल। तो पाँचवा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो गया ट्रबल, लोग समस्या में थे, लोगों की इस बात की समस्या थी कि वहाँ पर चोरी हो रही थी। तो इस प्रकार इस पैसेज के द्वारा, इस पैसेज में हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पांचों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बशर्ते कि आप इस पैसेज को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ये हमारे आंसर थे। अब आगे का जो हमारा जो सेकेंड पैसेज था सेक्शन ए के अंदर, वो भी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई वॉज बोर्न इन टू द मिडिल क्लास तमिल फैमिली, यानी ये वो चैप्टर है जो विंग्स ऑफ फायर नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, उससे लिया गया लेसन है, और 9th क्लास का चैप्टर है वैसे ये, और 10th क्लास के अंदर अनसीन पैसेज में आया था। तो यहां पर इसका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। पहले तो हमें ये ध्यान रखें राइटर कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और इनके फादर का क्या नाम था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसका, यानी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा ए, और ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया जैनुलाब्दीन, यानी फादर का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन। और इसी प्रकार हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि द राइटर्स हाउस वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ ब्लैंक आया यहाँ पे और सेंचुरी, कि लेखक का जो घर है वो किस सेंचुरी में बना था, किस शताब्दी में बना था। तो इसका आंसर है, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है 19th सेंचुरी, ये लिखा हुआ रहा कि वी लिव्ड इन आवर एनसेंट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी जो आंसर है वो हमारा सही है। सेकेंड का हो गया सी ऑप्शन और इसका उत्तर है 19th सेंचुरी। इसी प्रकार हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा है द ऑथर्स चाइल्डहुड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड, फोर ऑप्शन दिए हमें, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली या फिजिकली। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल एंडिंग लाइन थी हमारी इस पैसेज की कि आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, माइन यानी माइन यहाँ पर प्रोनाउन है, और लिखा हुआ है कि आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। तो मेटेरियली तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसके साथ हमारा जो उत्तर होगा वो बी होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा बी, और बी के अंदर हमें दिया गया है इमोशनली। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लिया हमने, और आगे जो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है द राइटर वॉज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ, यहां पर विद्यार्थी ध्यान देंगे द राइटर वॉज बोर्न इन द आइलैंड लिखा हुआ है ISLAND, इसको आइसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड होता है, तो आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो फोर्थ क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, रामेश्वरम। रामेश्वरम
और इसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ एन आइडल हेल्पमेट ऑफ राइटर्स फादर, यानी कि लेखक के पिता की एक प्रकार से आइडल हेल्पमेट कौन थी, तो राइटर की मदर थी, उसकी माता थी। स्पष्ट लाइन आई हुई कि माई मदर वॉज एज हेल्पमेट ऑफ माई फादर, तो इसमें स्पष्ट जो पहला आंसर है ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए सही, राइटर्स मदर। और इसी प्रकार हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ पर हमें ब्लैंक्स को उचित शब्द भरना है, और लिखा हुआ है कि आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रादर लुक्स, ये बिल्कुल हूबहू लाइन उठाइए पैसेज में से, और ये यहाँ पर दिखाई देती है कि बिल्कुल इस पैसेज नीचे से थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, यानी अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स ये उसका आंसर होगा, अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड है वो आ जाएगा इसमें। तो हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा अनडिस्टिंग्विश्ड। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माई रिक्स्तान फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, तो इसके अंदर वर्ड ढूंढना था हमें, ऑस्टियर वर्ड आएगा AUSTERE। तो हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है और सिक्स्थ का जो बी है, ये सिक्स्थ का ए था और सिक्स्थ का बी क्वेश्चन है, जो सिक्स्थ का बी क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा ऑस्टियर, AUSTERE, ऑस्टियर फादर, सीधे साधे पिताजी, यानी ऑस्टियर तो सीधे साधे। तो इस प्रकार हमारा जो सेक्शन ए है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और सेक्शन ए का जो पहला पार्ट है, यानी सेक्शन ए का पहला पार्ट जो था हमारा, दो अनसीन पैसेज थे और उन दोनों अनसीन पैसेज बहुत ही आसान थे, ये क्वेश्चंस थे और इनके ये आंसर्स थे, तो सभी विद्यार्थी अपने आंसर्स का मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ग्रामर पोर्शन, अब हमारा जो ग्रामर पोर्शन था जिसमें थर्ड क्वेश्चन था चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी थी हमें, लिखा हुआ है आफ्टर आई, फिर ब्लैंक आए आगे और ब्रैकेट में दिया रीड द न्यूज़पेपर, आई क्लीन्ड द रूम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक रूल किया था कि जब आफ्टर आ जाता है तो आफ्टर के पहले, आफ्टर आ गया तो आफ्टर के पहले, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर हमें दे रखी है तो आफ्टर के बाद आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये रूल बिल्कुल एग्जैक्ट लागू हो रहा है कि आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम, क्योंकि कोमा के बाद का सेंटेंस आगे आ गया, इसका मतलब जस्ट आफ्टर के जो बाद है वहाँ पर आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और थर्ड का जो पहला है उसका जो आंसर हमारा होगा वो होगा हेड रीड। इसी प्रकार जो थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। देखिए यहाँ पर हमें एडवर्ब पे ध्यान देना है, और एडवर्ब जस्ट दे रखिए यहाँ पर दे रखिए यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, अगर इस प्रकार की एडवर्ब आती है तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस होता है, और पास्ट सिंपल टेंस सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्रैकेट में हमें मीट दे रखा है, और मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मैट, तो हमारा जो आंसर होगा वो मैट होगा, ए उत्तर है हमारा इसमें। और थर्ड सेंटेंस जो दे रखा है आई रिक्स्तान स्टडी इन द स्कूल सिंस लास्ट टू ईयर्स, आप याद कीजिए सिंस और फोर, सिंस फोर प्लस टाइम अगर आता है तो वो हमारा टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही दे रखा है ऑप्शन, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है, क्योंकि इसके आगे और कोई सेंटेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब थर्ड सेंटेंस के अंदर जो थर्ड है उसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यू है, और परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्प में एक ये हैव बीन स्टडिंग, तो हमारा आंसर यही होगा हैव बीन स्टडिंग, यानी अध्ययन कर, लिखा है कि आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस लास्ट टू ईयर्स, मैं पिछले दो वर्ष से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। और इसी प्रकार जो फोर्थ क्वेश्चन था वो लिखा है आई यूजुअली
फिर ब्लैंक आया है, टेक ब्रेकफास्ट एट एम। मैं सामान्य तौर पे 8 बजे नाश्ता करता हूँ, हमारी एक हैबिट है, ये एक प्रकार से रूटीन वर्क है, और रूटीन हैबिट यूनिवर्सल ट्रथ या इस प्रकार के जो टाइम जो प्री प्लान्ड होते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और प्रेजेंट सिंपल की वो एडवर्ब्स हमें अच्छी तरह याद है, यूजुअली, डेली, रेगुलरली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, इस प्रकार की वो एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। तो यहाँ पर यूजुअली लिखा हुआ है, स्पष्ट बताया हमें प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जब हमारा सेंटेंस यहाँ पर आई सब्जेक्ट है वो आई दे रखा है तो आई के साथ टैग आएगा। और वैसे भी आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि और तो कोई कन्फ्यूज वाला वर्ड ही नहीं दिया हुआ इसमें, तो टैग ही आएगा। तो इस प्रकार ये 4 जो सेंटेंस थे ये हमारे टेंस से संबंधित थे। अब जो हमारा आगे वाला जो 4th जो क्वेश्चन आता है वो लिखा है, द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें कि द चेंज फॉलोइंग सेंटेंस, नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। सेंटेंस लिखा हुआ है, नरेश सेड टू मी I don't believe you. I don't believe you. फुल स्टॉप और आपका कॉमा इंट्रोड कॉमा क्लोज कर दिया यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। यहाँ पर जो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो नरेश टोल्ड मी, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमारे पास 4 वर्ड होते हैं, दैट हैं, इफ है, डब्ल्यूएच वर्ड है, और 2 है। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हो गया दैट, नरेश टोल्ड मी दैट, यहाँ तक सही है। इसके बाद सबसे पहले हम देखें, हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दे रखा है आई, और फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नरेश है यानी लड़का है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही। तो इसके बाद डोंट, डू नॉट, डू नॉट और डज नॉट जब देता है प्रेजेंट सिंपल होता है, और जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्योंकि बाहर का सेंटेंस है वो क्या दे रखा है हमें, पास्ट दे रखा है। जब बाहर का सेंटेंस पास्ट होता है तो अंदर का टेंस भी चेंज हो जाता है, वो भी पास्ट में बदल जाता है, तो डोंट वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। तो हो गया, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव, और इसके बाद यू है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, और यहाँ भी यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, कि नरेश ने मुझे बताया कि वो मेरे विश्वास नहीं करता है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस ऐसे चेंज होना था। और इसी प्रकार जो सेकंड जो सेंटेंस था हमारा रिपोर्टर स्पीच का, उसमें लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा, डिड यू सी द स्नैक, डिड यू सी द स्नैक क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान सेंटेंस है ये भी। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वही चीज़ देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का दे रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया होता है और हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, और जैसे ही हमने अस्ट में लगा दिया दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में भी एचवी से शुरू है, जब एचवी से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, इफ का यूज करते हैं। और जैसे ही हमने इफ लगाया अब हमारा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, मी। अब मी तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यू यहाँ पर काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो हो गया, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई,
यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो आई में चेंज हो गया। अब आ गया डी डिड पास्ट सिंपल, अगर बाहर का सेंटेंस पास्ट का है यानी सेड टू दिया हुआ है तो अंदर का सेंटेंस भी चेंज होगा और टेंस चेंज होगा। जब पास्ट सिंपल दे रखा है तो पास्ट का पास्ट हो जाएगा, अर्थात पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हमारे पास डिड है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड में। इफ आई हैड, और जैसे ही हैड लगाया तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, आई हैड सीन द स्नैक, और क्वेश्चन मार्क का वो हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द स्नैक। बहुत ही आसान इनडायरेक्ट स्पीच था हमारा। तो इस प्रकार मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कर लिया। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर हमें कंजक्शन का यूज़ करना था, और कंजक्शन इसमें दे रखा है, एक तो एज सुन एज का यूज है, एक सो दैट का यूज है। लिखा हुआ है कि अर्चित सा हिज मदर, ही रैन टू टच हर फीट। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, आपको सिर्फ और सिर्फ एज सुन एज पहले लगा देना था, यानी एज सुन एज, जैसे ही अर्चित सा हिज मदर, अर्चित सा हिज मदर कोमा ही रैन टू टच हर फीट, ही बस सेम उतारना है, कुछ नहीं करना, एज सुन एज का यूज करना है और शुरू में आ जाएगा। सेकेंड जो सेंटेंस है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का, कि यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, तुम्हें यूनिफॉर्म में आना चाहिए, यू मे ज्वाइन द परेड, तुम परेड ज्वाइन कर सकते हो, और सो दैट का यूज किया तो सो दैट वाक्य के बीच में आ जाएगा। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, You should come in uniform so that you may join the parade. बहुत ही आसान था, और दो टू मार्क्स थे और लेना बहुत आसान था, एक में शुरू में लगाना था और एक में सेंटेंस के बीच में लगाना था। इसी प्रकार जो छठा क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारा पैसिव वॉइस का, और लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वो है द ट्रीज। यहाँ पर विद्यार्थियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं आप इसको न मान लें, क्योंकि ये हमें प्रेपोजिशन दे रखा है, और जब वर्ड सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हमारा एक्स्ट्रा माना जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ से लेना है द ट्रीज। अब यहाँ पर वर्ब दे रखिए कट, और कट फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी कट हो, क्योंकि तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, पीपल है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप अगर फर्स्ट फॉर्म मानो तो भी सही है और सेकंड फॉर्म मानो तो भी सही है। तो द ट्रीज आर कट भी सही है और वर कट भी यहाँ पर सही हो सकता है। द ट्रीज आर कट या ट्रीज वर कट, अब बाई पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाई पीपल है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हटा भी सकते हैं आप, द पीपल हटा दें। तो द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। इसी प्रकार जो नेक्स्ट हमारा जो था छठे का जो सेकंड क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्या दे रखा है, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंच पैसिव बनाना है हमें,
हमारा सब्जेक्ट है ये, हमारी वर्ब है ये, और ऑब्जेक्ट है ये, बस हमारा इतना ही है पैसिव। आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हूबहू उतारना है। सेंटेंस हमारा इतना ही, आस्क्ड मी तो हो जाएगा आई, सेकेंड पर्सन सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल जब पैसिव में चेंज होता है तो वॉज और वर लगता है, तो आई के साथ वो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, फिर उसके बाद पूरा आ जाएगा टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेवंथ क्वेश्चन है, फ्रेम द क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर। सेवंथ जो क्वेश्चन था, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, इसमें हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करना था, और इसका हमें आंसर मिला था कि आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, और हमें बनाना क्या था, इसका क्वेश्चन बनाना था। तो क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है और हमें कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड नहीं दिया हुआ। अगर डब्ल्यूएच वर्ड दिया होता तो उसके हिसाब से बनता, लेकिन यहाँ पर हमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं दिया है, इसका मतलब हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी डू या डज। तो यहाँ पर जैसे ही आई है वो चेंज किस में हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछे आई यू में होगा, तो यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स और क्वेश्चन मार्क ले जाएगा। बस दो वर्ड चेंज करने थे आपको, एच वी आपको लगानी है शुरू में, और आई है वो यू में हो गया, और माई है वो योर में हो गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, जब हमारा आंसर ये है कि मैं माता पिता का सम्मान करता हूँ, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो क्वेश्चन ये पूछा कि क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, तो डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसी प्रकार फ्रेमिंग क्वेश्चन के बाद जो हमारा टैग क्वेश्चन था सेवंथ नंबर क्वेश्चन के अंदर, ये भी टैग क्वेश्चन था, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, देर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, और इसका हमें टैग क्वेश्चन बनाना था। टैग क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, यहाँ पर हमें कोमा लगाना है, इसके बाद हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, और अगर क्वेश्चन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा सेंटेंस है वो टैग क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव बनेगा, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर हमें नोट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब नोट आएगा, तो इजंट एच वी में इज दे रखिए, और इसके बाद नोट की शॉर्ट फॉर्म होगी इजंट, और इजंट के बाद देयर, बस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत ही आसान है, एक नंबर यानी फ्री के एक नंबर एक प्रकार से। तो एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन थे, और अब हमारा क्वेश्चन सातवां यानी सेवंथ और एट्थ दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन जो हमारा आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट वर्ड भरने थे, रिलेटिव प्रोनाउन थे। ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट, ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट, ऑल दो देयर इज नथिंग इन इट, तो ऑल दो आएगा इसमें, नाइन्थ का जो फर्स्ट है इसमें ऑल दो होगा, और सेकेंड है माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, whom और who से spotted me, क्योंकि spotted दे रखा है और verb की second form है, और इधर हमारा subject दे रखा है, इसका मतलब who का use होगा इसमें, तो क्या आ जाएगा who। और third question इसमें जो था हमारा ninth के अंदर ही third था कि he, उसके बाद blank है visited India, फिर blank है और England, so that या not only but also होगा, तो he not only visited India but also England, तो इसका मतलब क्या आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना था आपको, नॉट ओनली लिखना था और एक में बट ऑल्सो लिखना था। दो हमें क्वेश्चन दे रखे थे, जो ब्लैंक्स दे रखे थे, पहले में नॉट ओनली आएगा, दूसरे में बट ऑल्सो आएगा। तो इस प्रकार हमारे ग्रामर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए, और हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के अंदर है, जो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारा है चैप्टर, उसके अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारा 15th क्वेश्चन, यानी 10 से 14 तक, 10 टू 14 है ये सारे के सारे हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं,
टेक्स्ट बुक से हैं और टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन है वो हम उसके आंसर उसमें देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो 15 क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, 15 नंबर क्वेश्चन था और इसके अंदर पैसेज दिया था कुरुग और कोडागु जो लेसन था उससे दिया गया था। दो क्वेश्चन थे, विच सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुरुग, यानी कौन सा सीजन है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो एक लाइन आई थी इसमें, द सीजन ऑफ जॉय एंड कॉमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, ये हमारा आंसर होगा इसका। यानी 15 जो क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन के अंदर जो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा कि द, यह ना क्वेश्चन लिखा है कि विच सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुरुग, कि कुरुग के अंदर जो टूरिस्ट को कौन सा सीजन है वो करता है, अट्रैक्ट करता है। सीजन ऑफ जॉय कॉमेंट्स फ्रॉम द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंट्स फ्रॉम सेप्टेंबर एंड टिल कंटिन्यू टिल मार्च, ये हमारा आंसर था इसका। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन का, जो सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज कुरुग सिचुएटेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है। कुरुग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इज ए होम और टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ रेन कवर्स 13% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी हमें इतना लिखना था कि कुरुग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, बिल्कुल इतना ही लिखना था, कुरुग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, या उसको सिचुएटेड इन, क्योंकि हमें इतना बताना था कहाँ स्थित है, तो इन कर्नाटका, बस, या कुरुग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ऐसे भी कह सकते द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये भी सही है हमारा। इसी प्रकार से जो 16th क्वेश्चन था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ये भी हमारा जो पैसेज से आया था क्वेश्चन, और इसके अंदर भी दो ही क्वेश्चन करने थे कि विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 16th क्वेश्चन का जो है कि विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी थी जो एरा ऑफ बुक्स के नाम से जानी जाती थी। तो बिल्कुल हूबहू लाइन देर के, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो हमें क्या लिखना है, द 20th सेंचुरी, ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस थिंग, कि क्या चीज़ें थी, व्हाट डिड द बुक डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस थिंग, यहाँ पर लिखा है ना कि 20th सेंचुरी देयर बुक्स वर अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, और बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड वेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। तो ये आप पूरा उसका आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, जो कि यहाँ से स्टार्ट है, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग से लेके लास्ट तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दो ही क्वेश्चन थे और दोनों पैसेज के अंदर दो दो क्वेश्चन थे, और दो दो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के थे, यानी 4 मार्क्स ईच था पैसेज है। इस प्रकार हमारा 16 क्वेश्चन है वहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हमारा जो 17th क्वेश्चन था, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए थे हमें, ये पोइम के क्वेश्चन थे, जो पोइम का एक्सट्रैक्ट है वो दिया गया है, और इनके अंदर से क्वेश्चन है कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, जो इस पोइम के अंदर जो पेड़ है वो कहाँ पे है। तो इस पोइम में जो पेड़ है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, इस पोइम के अंदर जो पेड़ है वो घर पर ही है, एक प्रकार से पेड़ों के बारे में बताया गया है। और हाउ कैन यू से दैट द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस पोइम के हिसाब से जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी क्यों थे, क्योंकि द ह्यूमन बींग्स यूज्ड इन, जो पेड़ों की कटाई कर दी गई, इस कारण पोइम है वो, इस पोइम के अंदर जो पेड़ है वो एक प्रकार से घर के अंदर बताए गए हैं, फॉरेस्ट के अंदर नहीं, एम्प्टी है। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन था वो, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, ये भी आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, एनिमल्स वाला वो है,
और इसके अंदर भी दो क्वेश्चन हमें दिए गए थे। पहला था कि व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स, कि लेखक है वो जानवरों के साथ क्यों रहना चाहता है, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड एंड काम, क्योंकि जानवर है वो बहुत ही है ना सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो इस प्रकार जो 17वां जो क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा हमारा कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, पोइम में जो पेड़ है वो कहाँ पर है। द ट्रीज आर एट होम, यानी एक प्रकार से घर पे है, फर्नीचर के रूप में है। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन था, हाउ कैन यू से दैट द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोइम, कि आप इस पोइम के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द पोइम हाउ कैन यू से द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी, कि जंगल थे वो खाली क्यों थे, कैसे थे, आप किस आधार पे कह सकते हैं। बिकॉज फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट आर कट बाय द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मानव के द्वारा पेड़ों को काट लिया गया, इसीलिए वो जंगलों में पेड़ नहीं है। इसी प्रकार जो 18वां जो हमारा पैसेज, ये भी पैसेज था पोइम के थे, और इसके अंदर जो पोइम है वो एनिमल्स के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार एनिमल है वो आदमी से बेहतर है। और क्वेश्चन है कि वाई डज द पोइट वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स, कि जानवरों के साथ लेखक क्यों रहना चाहता है। बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा फर्स्ट का, बिकॉज they are so placid and self-contained. बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर कंडीशन, कि लिखा ना यहाँ पे बिल्कुल दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, बिल्कुल हूबहू लाइन है, दे डोंट स्वेट एंड वाइन, ये पूरी लाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार 17th और 18th नंबर जो क्वेश्चन थे हमारे, वो सारे दोनों के दोनों हमारे पोइम से थे और दो दो नंबर के थे, बहुत ही आसान थे। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है सी, और सी सेक्शन के अंदर हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन से, नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन आया है, ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ वेंडा, वेंडा का करेक्टर स्केच है, और जो पहला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है उसमें कि व्हाट वॉज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई, और इसके ऑप्शन में आया है कि हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। ये सारे के सारे जो 19th से लेकर 22 तक है, सारे के सारे क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स के हैं और बहुत ही आसान थे, वही क्वेश्चन थे जो हमने किए थे। इसके बाद सेक्शन जो डी आता है, डी हमारा कंपोजिशन पार्ट था, और कंपोजिशन पार्ट में जो 23rd क्वेश्चन है कि यू आर सोनू और सोनिया स्टेइंग एट 20th गुलाब नगर श्रीनगर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, बढ़ते हुए एक्सीडेंट के बारे में लेटर टू एडिटर लिखना था, संपादक को पत्र लिखना था, और इसके अथवा में जो हमारा आया था वो ईमेल था कि राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, यू आर संजय और सिमी, आप अपने आप को संजय सिमी मानिए और अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए कि हमारा जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, यानी अभी तक पूरा नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्लास है वो ली जाए, इस प्रकार। और ये इन दोनों में से एक करना था, बहुत आसान था। 24th क्वेश्चन था कि राइट ए स्टोरी, दो स्टोरी दे रखी है, ए हेयर एंड टॉर्टाइज वाली है, और इसके अथवा में ओल्ड फार्मर और फोर सन्स, यानी जो यूनियन स्ट्रेंथ वाली है, इन दोनों में से कोई भी एक स्टोरी आप कर सकते थे। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था इस पेपर का, वो था कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड्स, आपको दो विजुअल एड दे रखे हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक करना था। पहला है उसमें जैसे ढोल नगाड़ा और ये पटाखे वगैरह चल रहा है, इसका मतलब होली पे लिखना था, और जो इसके अथवा में था वो कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन का है, तो हाउ आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। तो इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन थे और पेपर बहुत ही अच्छा था, स्तरीय पेपर था, जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी उनके निस्संदेह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप अपना पूरा जो पेपर है वो हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।